Now, before we dive into outsourcing, we will एक सेकंड के लिए आउटसोर्सिंग को हटाते हैं ठीक है इससे पहले एक बिल्कुल स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देखते हैं एंड इट विल बी जस्ट लाइक फॉर दी जो अभी हमने डिस्कस किया इसका एक बिल्कुल एक अच्छी सी चीज देख नाउ आई टेल यू अबाउट कोलिन क्लार्क ओके ये नाम याद रह जाएगा दिस इज समथिंग अवे फ्रॉम योर ncert अब कॉलिन क्लार्क ही इज एन इकोनॉमिस्ट ये एक इकोनॉमिस्ट है जो ब्रिटिश और ऑस्ट्रेलिया में काम कर चुके हैं ठीक है सो कॉलिन क्लार्क क्या है एक इकोनॉमिस्ट है अब बेसिकली कॉलिन क्लार्क ने सेक्टर्स कितने इकॉनमी की बात की थी शुरुआत में कितने थे तीन थे देन इट इंक्रीज्ड अप टू 5 तो इन्होंने उसी के रिगार्डिंग एक ग्राफ बताया है अब हम उस ग्राफ को देखेंगे ये बोलते हैं दैट सेक्टर मॉडल जो भी सेक्टर्स हैं ठीक है तो वो क्या बन गया एक सेक्टर मॉडल बन गया किस चीज का सेक्टर मॉडल ऑफ एन इकोनॉमी तो किसी भी इकोनॉमी का जो सेक्टर का मॉडल है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एंड क्वार्टनरी तो इट अंडर ठीक है या फिर इट इज अंडर ठीक है टेक्नोलॉजिकल चेंज वो एक टेक्नोलॉजिकल चेंज हो रहा है उसके अंदर यह बात यहां तक हमें समझ में आती है दैट दिस सेक्टर्स या सेक्टर मॉडल ऑफ एन इकोनॉमी इज अंडर गोइंग टेक्नोलॉजिकल चेंज तो उन्होंने ये बात देखी एंड ही केम अप विद दिस ग्राफ तो हम इस ग्राफ को देखते हैं ना सपोज दिस इज योर वाई एक्सेस एंड दिस इज योर ओहो ना ना थोड़ा सा सीधा बनाते हैं हाँ जी बात ठीक है ना सो दिस इज एंड दिस हमको दिस इज शोइंग द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड कितने लोग एम्प्लॉयड हो रखे हैं ठीक है तो यहां पर अगर कोई चीज है इस ग्राफ में अगर इस पॉइंट पर कोई भी चीज है देन वी नो कि कम लोग एम्प्लॉइड हैं यहां पर ऊपर की तरफ है तो ज्यादा नंबर एम्प्लॉयड है नाउ दोज दीरियड तो अगर यहां पर हैं तो वो पास्ट का टाइम है फिर वो धीरे धीरे टाइम है जी आगे बढ़ रहा है तो अगर ये 1900 है तो 1910, 1920, 30, 40, 2000, 2010, ऐसे करके आगे बढ़ेगा So, अब आप मेरे को ये बताओ कि प्राइमरी एक्टिविटीज बिल्कुल शुरुआत से हैं तो वो टाइम के ग्राफ पर कहां पर होंगी यहां पर होंगी बिल्कुल शुरुआत में और उसमें कितने ज्यादा लोग एम्प्लॉयड थे लार्ज नंबर ऑफ पीपल तो प्राइमरी एक्टिविटीज टाइम के बिल्कुल शुरुआत में बहुत सारे लोग इसमें एम्प्लॉयड थे तो एक्स एक्सिस में जीरो पर आ जाएगा और वाई एक्सिस में ये काफी ऊपर से तो यहां पर थे अब टाइम के साथ क्या हुआ दीज पीपल शुरुआत में तो ये बहुत ज्यादा थे ये धीरे धीरे कम होने शुरू हो गए दीज पीपल आर रिड्यूसिंग इन नंबर आज के दिन बात करें तो प्राइमरी सेक्टर के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं वो रिड्यूस हो रहे हैं द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इन प्राइमरी सेक्टर इज रिड्यूसिंग तो हमें पता लग गया द ग्रीन लाइन इज रिप्रेजेंटिंग द प्राइमरी सेक्टर अब ब्ल्यू की बात करते ठीक है ब्लू लाइन के ब्लू लाइन विल बेसिकली रिप्रेजेंट दी सेकेंडरी एक्टिविटीज कौन सी एक्टिविटीज सेकेंडरी ये भी लगभग लगभग समय की शुरुआत से ही है जब ये इकोनॉमीज वगैरह चलने शुरू हुई थी लेकिन इस में पहले कम लोग काम करते थे फिर धीरे धीरे जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ ठीक है औद्योगिकरण हुआ इंडस्ट्रीज नई नई बनी तो लोग भी इसमें बढ़ने लगे विद टाइम लेकिन एक ऐसा समय आया कि वो हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचा और फिर वो नीचे आने शुरू हो गए अब ज्यादातर लोग इंडस्ट्रीज में काम नहीं करते पहले के अकॉर्डिंग जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था उस समय तो बहुत सारे लोग काम करते थे लेकिन अब समय के साथ वो लोग कम काम कर रहे हैं अब वो ज्यादा काम कर रहे हैं सर्विसेज सेक्टर में सो वी विल सी दैट द येलो लाइन रिप्रेजेंट्स द सर्विस सेक्टर और हम इसकी जगह लिखेंगे यहाँ पे दर्शरी सेक्टर कौन सा सेक्टर टर्सरी सेक्टर ना टर्सरी सेक्टर शुरू बाद में हुआ था तो हम यहां से जीरो से शुरू नहीं करेंगे एक्स एक्सिस पे कहीं यहां से शुरू करेंगे टर्शरी सेक्टर बाद में शुरू हुआ था लेकिन समय के साथ इसमें जो एम्प्लॉयमेंट है वो ऐसे इंक्रीज होती रही तो प्राइमरी सेक्टर में लोग कम होते चले गए समय के साथ और टर्सरी सेक्टर में लोग बढ़ते हुए चले गए तो आज अगर प्रेजेंट की बात करें तो टर्सरी सेक्टर में ज्यादा लोग काम कर रहे हैं डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर और प्राइमरी में कम काम करें अब हम देखते हैं ये तो सेम सा से कलर हो गया कुछ लेते हैं ऑरेंज लेते हैं अब बात करते हैं कोटनरी सेक्टर की कोटनरी क्यूनरी ये दोनों एक प्रकार से सेम है अब ये जो कोटनरी है ये हाल ही में आया है तो ये यहां से शुरू तो नहीं हो सकता कहां से शुरू होगा ये थोड़े से बाद से शुरू होगा लेकिन इसका ग्राफ तेजी से ऊपर की तरफ जा रहा है पीपल इन दी कोटन सेक्टर आर मोर पहले साइंटिस्ट इतने नहीं थे तो तो अब, अब ये जो पॉइंट है जब ये ब्लू लाइन ज्यादा थी यहां तक तो हुआ इंडस्ट्रिया इस पॉइंट के बाद लोग इसमें कम होने शुरू हो गए एंड दिस इज द पॉइंट वेर डी इंडस्ट्रियालाइजेशन स्टार्ट ठीक है कुछ भी सोसाइटी में या इकोनॉमी के अंदर कुछ भी चेंजेस हुए और जो इंडस्ट्रीज में काम करने वाले लोग हैं वो धीरे धीरे अब कम होने शुरू हो गए तो ये वो पॉइंट है इंडस्ट्रियलाइजेशन का यहां तक तो इंडस्ट्रीज पूरी आगे बढ़ी लेकिन उसके बाद इंडस्ट्रीज कम होनी शुरू हो गई ठीक है उसमें काम करने वाले लोग कम होने शुरू हो गए ठीक है क्योंकि अब क्या होता है अब ज्यादा मशीन हैं मशीन्स ज्यादा होगी और उसमें काम करने वाले लोग दे आर लेस इन नंबर तो ये तो अपने आप ब्लू ग्राफ तो नीचे आ जाएगा ना नीचे आने का मतलब एम्प्लॉयमेंट लेवल वहां पर कम है आजकल क्या कर रहे हैं लोग टर्सरी सेक्टर में ज्यादा काम कर रहे हैं एंड कोटनरी सेक्टर में एंड क्यूनरी सेक्टर में ज्यादा काम कर रहे हैं सो दिस वॉज द ग्राफ गिवन बाय कॉलिन क्लार्क एन इकोनॉमिस्ट फ्रॉम ब्रिटिश इन ऑस्ट्रेलिया और उसने बोला जैसे जैसे कोई भी सोसाइटी के अंदर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं वैसे वैसे हमारी पूरी इकोनॉमी ऐसे इस ग्राफ के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है तो अगर आप आज की डेट में देखोगे आप प्राइमरी सेक्टर में कम जाना पसंद करोगे सेकेंडरी में कम जाना पसंद करोगे यू विल फोकस मोर ऑन दर्शरी कोटनरी एक्टिविटीज सो दिस वॉज एन इंपॉर्टेंट ग्राफ मुझे लगा कि आप लोगों को पता होना चाहिए ठीक है इससे काफी समझ में आता है कि आ, पैटर्न किस तरफ है तो पैटर्न को समझना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है in english okay now we can move towards the outsourcing part ab log hum outsourcing ki taraf aage badh sakte hain About outsourcing ka meaning dekho sabse pehle to ki what is outsourcing naam se pata chal raha hai something is going out और जो source करने की चीज है जहां से वो चीज बन रही है जो उसका source है वो बाहर है किस चीज को बाहर भेजा जा रहा है आउटसोर्सिंग का बेसिकली जो मीनिंग होता है इट मीनस कॉन्ट्रैक्टिंग आउट द वर्क ठीक है ना कॉन्ट्रैक्ट जो कि वर्क है इसको आउट करना कॉन्ट्रैक्ट आउट पहले क्या हो रहा था एग्जाम्पल के तौर पे समझते दिस इज एन इंडस्ट्री अब ये इंडस्ट्री सारा काम खुद ही कर रही है प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर भी यही इंडस्ट्री कर रही है उसकी मार्केटिंग भी यही इंडस्ट्री कर रही है उस प्रोडक्ट को लेके जो लोग कॉल करते हैं ठीक है ना वो कॉल्स भी ये लोग हैंडल कर रहे हैं तो बेसिकली दे आर हैंडलिंग दी कस्टमर केयर आल्सो अभी नाम कुछ सुना सुना लग रहा है कस्टमर केयर में नौकरी कर लेते हैं इस टाइप से तो कस्टमर केयर को भी हैंडल कर रहे हैं सर्विस पार्ट को भी ये हैंडल कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग को भी मार्केटिंग को भी ये सब चीज हैंडल कर रहे हैं तो जब आप इतने सारे काम करते हुए एक साथ यू बिकम अ लिटल बिट इन एफिशियंट आप वो काम अच्छे से नहीं कर सकते तो इस इन एफिशंसी को रिमूव करने के लिए इसको हटाने के लिए इन लोगों ने क्या करा कुछ काम को आउटसोर्स कर दिया कि इस काम को ना एग्रीमेंट के तहत ओके अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट, दिस वर्क विल बी डन बाय समवन आउटसाइड द इंडस्ट्री इस बिजनेस से बाहर कोई करेगा सो मान लीजिए ये जो बिजनेस की हम अभी बात कर रहे थे ये बिजनेस यूएसए में है तो यूएसए ने किस चीज को संभाल लिया उसने मार्केटिंग को देख लिया प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर को देख लिया तो ये जो कस्टमर केयर की बात आएगी ना इट विल बी गिवन टू सम अदर कंट्री फॉर एग्जाम्पल ये काम आ जाएगा इंडिया के अंदर अब इस काम को इंडिया भेजने का फायदा क्या है ठीक है यहां पर आपको सबसे पहले तो चीप लेबर मिलेगा अगर यही काम अमेरिका में कोई इंसान करता वो तो ज्यादा पैसे चार्ज करता सेम काम के और अब यह काम एफिशिएंटली भी हो सकता है अच्छे तरीके से हो सकता है ठीक है तो अगर आपके पास कोई यूएसए का प्रोडक्ट है और आप उसके कस्टमर केयर पे मिलाओगे तो सामने से बात करेगा मैक्स और मैक्स कहेगा हेलो दिस इज मैक्स एंड वी आर कॉलिंग फ्रॉम दिस एंड दिस एंड ओके विल कॉल टू आवर बिजनेस मैनेजर एंड एंड शायद मैक्स क्या पता मोहन हो ठीक है ना मोहन मैक्स हो सकता है क्यों क्योंकि वो एक इंडिया के कस्टमर केयर में काम कर रहा है जो एक ऐसी कंपनी के लिए जो यूएसए में बेस्ड है मोहन कम पैसे में काम कर लेता है तो इसलिए वो काम उसे मिला है और वो अच्छे तरीके से इस काम को कर सकता hey, okay. तो है हम, तो हम काम को जब कॉन्ट्रैक्ट आउट करते हैं एग्रीमेंट के अनुसार उसको बाहर दे देते हैं दिस इज नोन एज आउटसोर्सिंग तो अब इसकी बेसिक डेफिनेशन तक पहुंचते हैं देखो किसी भी चीज को ना आई फर्स्ट एक्सप्लेन इट अब आपको ये समझ में आ गया तो काम किसी भी बिजनेस को एफिशिएंट तरीके से अगर चलाना है तो उस काम को बाहर भेजना होगा वो अच्छे तरीके से और कम पैसे में हो जाएगा बिजनेस कैसे चलता है आप कॉस्ट को कम करते हो प्रॉफिट को बढ़ाते हो सो फर्स्ट आई एक्सप्लेन नाउ विल रीच अप टू सम काइंड ऑफ डेफिनेशन जो आपके एग्जाम्स में काम आती है सो डेफिनेशन क्या बनती है दैट आउटसोर्सिंग इज सम काइंड ऑफ अ बिजनेस प्रैक्टिस ये बिजनेस करने की एक प्रैक्टिस है बिजनेस में कोई भी एक प्रैक्टिस है ठीक है वेयर वर्क इज गिवन जहां पर वेयर वर्क इज गिवन किसको दिया जाता है टू एन आउटसाइड एजेंसी टू एन आउटसाइड एजेंसी एक बाहर की एजेंसी को काम दिया जाता है क्यों दिया जाता है ये दो पॉइंट याद रखो टू इंप्रूव एफिशिएंसी टू इंप्रूव एफिशिएंसी और दूसरा काम क्या होता है एंड टू रिड्यूस दी फिलिंग द ब्लैंक टू रिड्यूस दी कॉस्ट पैसे को कम करने के लिए जो कॉस्ट प्राइस आ रहा है सो आउटसोर्सिंग इज अ बिजनेस एक्टिविटी ज्यादा लाल हो गया लाल रंग है तेरा ओके okay. तो आउटसोर्सिंग इज अ बिजनेस प्रैक्टिस वेर वर्क इज गिवन टू एन आउटसाइड एजेंसी किसी भी बाहर की एजेंसी को काम दिया जाता है क्यों दिया जाता है टू एफिशिएंसी एंड रिड्यूस कॉस्ट तो अब हमें पता आउटसोर्सिंग क्या होता है ठीक है नाउ दिस आउटसोर्सिंग इज बेसिकली गिवन टू दो कंट्रीज जहां पर आउट माइग्रेटिंग लेबर होती है कौन सी लेबर होती है आउट माइग्रेटिंग लेबर होती है फॉर एग्जाम्पल देर इज अ कंट्री ए और इस कंट्री ए से कुछ लोग क्योंकि इसकी गवर्नमेंट या यहां पर इतनी जॉब्स नहीं है इस कंट्री ए के लोग कंट्री बी में जाना शुरू कर देंगे ताकि उनको क्या मिल सके जॉब्स मिल सके ताकि वह एम्प्लॉयमेंट ताकि उनको रोजगार मिल सके ना वो यहां से यहां जा रहे हैं तो बेसिकली इन डेवलप्ड कंट्रीज ने क्या किया इन्हें कंट्रीज में काम भेज दिया कि आप अपनी कंट्री में रुक जाओ और वहीं से ही आप हमारे लिए काम करो ठीक है सो इट इज अ विन सिचुएशन ये इसलिए भी किया जाता है क्योंकि इस कंट्री का जो यूथ है इस कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो भी क्या कहती है उसको भी जॉब चाहिए तो अगर यहां के लोग यहां आकर जॉब ले लेंगे तो ये लोग कहां जाएंगे ये लोग यहाँ क्या यहां जाएंगे नहीं जाएंगे तो ये लोग भी इस चीज को रेसिस्ट करते हैं इस चीज का विद्रोह करते हैं कि बाहर के लोग हमारे आके जॉब्स ले रहे हैं ठीक है सो so, ये आउटसोर्सिंग का काम ऐसे चलता है ठीक है चीप एंड स्किल्ड लेबर अवेलेबल होती है इन कंट्रीज के अंदर इंडिया बांग्लादेश इसराइल इन सभी कंट्रीज के अंदर चीप लेबर अवेलेबल होते हैं जिसकी वजह से ये सारा खेल चलता है नाउ दीज कैन बी ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज अगर हम आउटसोर्सिंग की बात करें ओके okay. दोबारा से लिख से, लिख लेते हैं आउटसोर्सिंग का पता चल गया इट इज अ बिजनेस एक्टिविटी वेयर वर्क इज गिवन टू एन आउटसाइड एजेंसी टू इंप्रूव एफिशिएंसी एंड टू रिड्यूस कॉस्ट अब जी आउटसोर्सिंग है ये किसी भी बिजनेस के प्रोसेस को आउटसोर्स करने के लिए हो सकता है ठीक है अब अभी मैंने ऊपर बताया क्या बताया था ये कोई भी एक बिजनेस है इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग चल रही है मार्केटिंग चल रही है सर्विसेज चल रही है और कस्टमर केयर चल रहा है कस्टमर्स को जो संभालना होता है ठीक है कि उनकी क्या कंप्लेंट है उस कंप्लेंट को रजिस्टर करना ठीक है किसी की वारंटी खत्म होगी तो वारंटी का एक्शन इस टाइप के तो ये क्या है कस्टमर केयर को हैंडल करना ये एक बिजनेस का प्रोसेस है वट इट इज इट इज अ बिजनेस प्रोसेस जब हम इस टाइप की बिजनेस प्रोसेस की चीजों को आउटसोर्स करते हैं इट इज नोन एज बिजनेस प्रोसेसिंग ठीक है तो इसको हम बोलते हैं बीपीओ इसको क्या बोलते हैं बीपीओ तो जो हम जिस कॉल सेंटर के बारे में हमने कभी अगर सुना होगा उस कॉल सेंटर को हम बीपीओ भी बोलते हैं यह बात समझ में आ गई और आउटसोर्सिंग का आउट किस टाइप का होता है और होता है केपीओस भी होते हैं नॉलेज प्रोसेसिंग ये वाला क्या है इट इज नॉलेज प्रोसेसिंग ओके दिस इज अ लिटिल बिट गुड ये इसे थोड़ा सा बेटर इसलिए है क्योंकि नॉलेज एज द नेम सजेस्ट नॉलेज वाले में क्या होता है आपको थोड़े से ना स्किल्स चाहिए होते हैं टेक्निकल एक्सपर्टीज चाहिए होती है उस काम को करने के लिए अब मान लीजिए अब जैसे ये बिजनेस प्रोसेस को आउटसाइड किया था ना हमने वैसे ही यहां पर उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कुछ इंजीनियर्स की मदद चाहिए होगी मान लीजिए अब इस इंजीनियरिंग के प्रोसेस को आउटसोर्स कर दिया गया देन इट विल बी नोन एज अ केपीओ पीओ ठीक है अब इस कंपनी का कुछ लीगल मैटर्स भी होते हैं ठीक है ना लॉ से रिलेटेड भी होते हैं कंपनी को बनाना या कुछ भी करना ये सारी चीजें होती हैं क्या पता आप लीगल चीजों को आउटसोर्स कर दो किसी बाहर की एजेंसी को जरूरी नहीं कि वो इंडिया को ही मिलेगा वो किसी भी कंट्री को या उस कंट्री के अंदर कुछ लोगों को मिल सकता है ठीक है हम मार्केटिंग को भी आउटसोर्स कर सकते हैं लेकिन अगर हम बिजनेस प्रोसेस को ऐसे करेंगे इट इज नॉन एज बीपीओ और हम जैसे स्पेशलाइज सर्विसेज को यानी कि नॉलेज से जुड़ी सर्विसेज को या प्रोसेस को जब हम आउटसोर्स करते हैं इट इज रिगार्डिंग द के तो हमें बीपीओ और केपीओ के बीच में बेसिक डिफरेंस पता है बिजनेस प्रोसेसिंग एंड नॉलेज प्रोसेसिंग सो दिस इज बेसिकली समथिंग विच इज रिलेटेड विद द आउटसोर्सिंग सो so आउटसोर्सिंग जो एक बिजनेस एक्टिविटी है इट इज डन इन सच अ मैनर आप इसके बारे में फिर से अगेन यू कैन गूगल अबाउट इट सम मोर तो आपको इसके बारे में कुछ पता चलेगा बस हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के रिगार्डिंग इसके बारे में थोड़ी सी बातें पता होनी चाहिए बिकॉज वी हैव डिस्कस्ड अ कंप्लीट इकोनॉमी हमने कंप्लीट इकोनॉमी को ही तो समझा है उस इकोनॉमी में प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कोर्टनरी इन सभी एक्टिविटीज को समझ लिया इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आज की डेट में है आउटसोर्सिंग तो हमने इस आउटसोर्सिंग को भी समझ लिया अब हमें यहां तक क्लियर हो गया है ठीक है अब हमारा एक लास्ट सा बिल्कुल छट्कू सा पार्ट बचा हुआ है एंड दैट इज नोन एज द केस ऑफ डिजिटल डिवाइड नेक्स्ट क्या चीज है डिजिटल डिवाइड बहुत ही ज्यादा सिंपल टॉपिक है लेकिन है क्या उसको देखते हैं और इंटरेस्टिंग भी लगता है मुझे बिकॉज इट इज रिलेटेड विद टेक्नोलॉजी ना वट यू मीन बाय डिजिटल डिवाइड डिजिटल तो समझ में आता है डिजिटल इज समथिंग विच इज रिलेटेड विद टेक्नोलॉजी और ये एक प्रकार का डिवाइड है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो डिवाइड हुआ है अब ये देखते हैं कि क्या डिवाइड हुआ किसी भी कंट्री के अंदर सपोज दिस इज वन कंट्री इस कंट्री के अंदर क्या सभी लोगों के पास मोबाइल फोन्स अवेलेबल होंगे आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्या उन सब के पास इंटरनेट की कनेक्टिविटी अवेलेबल होगी सभी के पास होगी नहीं ना तो इसमें से कुछ जगहें ही ऐसी होंगी जहां पर इंटरनेट की कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजी मोबाइल फोन्स ये सभी सर्विसेस जो हैं ये अवेलेबल होंगे नाउ वट अबाउट दीज का क्या तो बेसिकली कंट्री दो टाइप्स में डिवाइड होगी ना द डिजिटल या फिर टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज एंड एरियाज विच डोंट है इज नोन एज डिजिटल डिवाइड मुझे तो समझ में आ गया अब ये देख लो तुम्हें आया नहीं ठीक है डिजिटल डिवाइड क्या है इट इज समथिंग जहां पर इंफॉर्मेशन ओके इंटरनेट क्या है इंफॉर्मेशन का जरिया ही है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन दूसरे चार के जो भी ये हैं कम्युनिकेशन मतलब बड़ा प्यार लिखा गया एंड टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी विच इज इन शॉर्ट नोन एज आईसीटी अब ये आईसीटी की सर्विसेज हर जगह प्रोवाइडेड नहीं है ये कुछ ही जगह प्रोवाइडेड है इस बिना पर किसी भी एरिया को किसी भी कंट्री को किसी भी कॉन्टिनेंट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं द वन विच जिनके पास होता है और जिनके पास नहीं होता द वन विच डोन्ट है ठीक है दिस इज नोन एज डिजिटल आईसीटी से मिलने वाली जितनी भी ऑपरचुनिटीज हैं इंफॉर्मेशन को सर्च करने की यूज करके उससे कुछ नया क्रिएट करने की ये, अब तुम क्या, ये evenly distributed है? क्या ये हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है जैसे नो ना इट इज नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड सो इट मीनस इट इजनली डिस्ट्रीब्यूटेड दुनिटी प्रोवाइडेड बाई द आई सी टी आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड यहां तक क्लियर हो गया हमारी ठीक है नाउ देर इज अ गैप बिटवीन दंट्रीज अब हम बिल्कुल कंट्री के लेवल पे बात कर रहे हैं ये जो डिजिटल डिवाइड है ये इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा है डेवलप्ड कंट्रीज में तो बहुत सारी जगहों पर यह सर्विसेज अवेलेबल है डेवलपिंग में बहुत कम ये सर्विसेज अवेलेबल है ठीक है ना नाउ दिस कैन ऑल्सो भी सीन अब ये हम इंटर कंट्री भी हम इस चीज की बात कर सकते हैं डिजिटल डिवाइड की इंटर कंट्री ठीक है किस कंट्री के पास कंट्री ए के पास अच्छी सर्विसेज हैं, कंट्री बी के पास किसके पास है Haves, और किसके पास नहीं है नॉट जब ये गैप बढ़ जाता है तो जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ही कोई भी कंट्री कम डेवलप्ड होगी ये जितना कम होगा कम होने का मतलब ज्यादातर लोगों के पास वो चीज है उतनी ज्यादा कंट्री एक डेवलप्ड होगी तो जितना डिजिटल डिवाइड जितना भी डिजिटल डिवाइड कम होगा ठीक है ना जितना वो लेस होगा उतनी ही ज्यादा कंट्री एक क्या होगी डेवलप्ड होगी अब हम इसको इंटर कंट्री तो देख सकते हैं दो कंट्रीज के बीच में हम इसको इंट्रा कंट्री भी देख सकते हैं इंट्रा मीन्स विद इन उसके अंदर उस कंट्री के अंदर ना फॉर एग्जाम्पल इंडिया की अगर बात करें तो डेली में ठीक है डेली है कोलकाता है फाइन चेन्नई है मुंबई है इन ये है मेट्रोपॉलिटन सिटीज कौन सी सिटीज हैं दीज सिटीज आर मेट्रोपॉलिटन सिटीज जिनमें मेट्रोज होती हैं या हाईली डेवलप्ड सिटीज जो होती है। अब इनके अंदर आईसीटी की सुविधाएं इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बहुत अच्छी है लेकिन कुछ ऐसे विलेज एरियाज हैं ठीक है ना जहां पर ये सर्विस ज्यादा अवेलेबल नहीं है तो हम इस चीज को इंट्रा कंट्री भी बात कर सकते हैं क्योंकि ये ज्यादा कि किसी भी कंट्री के अंदर ये सर्विसेज कहां कहां प्रोवाइडेड नहीं है ठीक है ना तो एक कंट्री को डेवलपिंग से ओके okay, किसी भी कंट्री को डेवलपिंग से डेवलप्ड तो किसी भी कंट्री को डेवलपिंग से डेवलप्ड होने के लिए इस डिजिटल डिवाइड को क्या करना पड़ता है इसको कम करना पड़ता है ऑफ कोर्स इसको कम करना पड़ता है तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में बहुत अच्छी आईसीटी की सुविधाएं हैं, लेकिन जो इनके आसपास के एरियाज़ होते हैं, जो इनके आसपास के पेरिफेरल रूरल एरियाज पेरिफेरल मतलब इसके आउटसाइड पेरिफ्री में ठीक है इसके बॉर्डर पर जो रूरल एरियाज होते हैं वहां पर ये आईसीटी की सर्विसेज इतनी अच्छी प्रेजेंट नहीं होती यानी कि जो वो है जो विलेज एरियाज है उसमें नहीं होता तो इनके बीच में गैप आ गया सो दिस गैप इज नोन एज डिजिटल डिवाइड किसी भी गवर्नमेंट की यह कोशिश होनी चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा इस डिजिटल डिवाइड को कम करे मतलब पूरी कोशिश करे इस डिजिटल डिवाइड को कम करने की अब ये डिजिटल डिवाइड किसी वजह से भी हो सकता है इट कैन बी बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज इट कैन बी कि वो राजनीतिक रूप से वो एरिया पिछड़ा हुआ इट इज बैकवर्ड इन पॉलिटिकल सेंस इट कैन बी बैकवर्ड इन सोशल सेंस ठीक है ना इन सभी की वजह से ये सब हो सकता है बट देर आर पीपल देर आर कंपनीज हु टू रिड्यूस दिस डिजिटल डिवाइड अब मान के चलो कि कोई भी एक लोकेशन है यहाँ पर माउंटेन्स uh, हैं या जो भी हैं लेकिन यहाँ पर आप ना टावर एस्टेब्लिश नहीं कर सकते ठीक है ना आप यहां पर टावर एस्टेब्लिश नहीं कर सकते तो आप क्या करोगे ऐसे केस में तो इस एरिया के अंदर सर्विसेज कैसे पहुंचाओगे लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेल यू दैट देर इज अ प्रोजेक्ट बाय गूगल गूगल के द्वारा एक प्रोजेक्ट है और उस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट लून क्या नाम है प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट लून जैसे बैलून होता है ना बलून होता है वैसे प्रोजेक्ट लोन होता है सेम चीज़ है अब ये प्रोजेक्ट लोन में है क्या इंटरेस्टिंग बात ये है कि जिन जगहों पर ऐसे जाया नहीं जा सकता या आईसीटी के टावर्स नहीं लग सकते उन जगहों के ऊपर अब ये हमारी ज़मीन है ओके ये तेरी ज़मीन ये मेरी ज़मीन ओके ये अब हमारी ज़मीन है इस ज़मीन के ऊपर पूरा का पूरा एटमोसफेयर है दिस एटमोस्फेयर इज डिवाइडेड इन टू लेयर्स ठीक है ना ये अलग अलग लेयर्स में है ऐसे ये कौन सी लेयर है अगर आपने इसको पीछे वाली क्लास में ध्यान से पढ़ा होगा दिस लेयर इज नोन एज ट्रोपोस्फेयर ठीक है दिस इज स्ट्रेटोस्फेयर थर्मोस्फेयर एक्सोस्फेयर ऐसे करके ऊपर ऊपर लेयर्स होती हैं तो दीज आर लेयर्स ऑफ द एटमोसफेयर अगर नहीं पता हो तो इसको प्लीज प्लीज प्लीज, प्लीज फेयर के नाम से इसको गूगल करके समझ लेना एक बार विकिपीडिया तो इसमें क्या होता है गूगल कंपनी ने क्या प्रोजेक्ट लून के अंदर उन्होंने स्ट्रेटोस्फेयर में बड़े बड़े हीलियम के बैलून्स डाल दिए अब इन बैलून्स के अंदर ऐसी कुछ है कि वो इनको ना सिग्नल्स प्रोवाइड करती है इन को ऐसे तो बिना टावर को एस्टेब्लिश किए ये जो ये एरियाज हैं यहाँ तक ये यह बैलून साल भर उड़ते रहते हैं फॉर अ ईयर अभी अभी न्यूज़ आई थी कि एक एरिया में वो पूरे साल भर वो बैलून ने वहाँ पर काम सर्विसेज दी हैं तो ये यह यहाँ पर कनेक्टिविटी दे सकते हैं तो अगर हम इस डायग्राम को थोड़े सा और अच्छे से देखें वैसे आप इसको सर्च कर लोगे तो सपोज दिस इज़ द बैलून एंड दिस इज़ हैविंग दैट सर्विसेज और यहाँ पर टावर नहीं लग सकता इस चीज़ में तो यहाँ पर क्या होता है ये ऐसे और ये ऐसे इसको सर्विसेज प्रोवाइड करते रहते हैं तो यहाँ पर इंटरनेट वगैरह ये सब चीज़ें चल सकते हैं दीज प्रोजेक्ट शुड भी टेकन बाय द गवर्नमेंट ठीक है ना जो काम प्राइवेट कंपनीज कर रहे हैं दीज प्रोजेक्ट शुड भी टेकन बाय द गवर्नमेंट और हमें ये कोशिश करनी चाहिए दैट वी आर रिड्यूसिंग दिस डिजिटल डिवाइड नाउ इन दीज कोविड टाइम्स वी हैव सीन द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी ठीक है ना हमने इस टाइम में टेक्नोलॉजी का यूज देख लिया नाउ वी शुड अडोप्ट दिस टेक्नोलॉजी एंड वी शुड टेक आवर नेशन फॉरवर्ड ठीक है वरना ऐसे सिर्फ चैप्टर पढ़ के क्या फायदा ठीक है देश को आगे ले जाना होगा ठीक है ओके सो वी बेसिकली कवर्ड कंप्लीट चैप्टर इज नंबर सेवन टर्शरी एंड कोटनरी एक्टिविटीज इफ यू आर गो थ्रू दी आर बुक रीड योर चैप्टर वॉच दीडियो लेक्चर अकीन